नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर एनसीआर में लॉकडाउन और कोरोना की ताजा अपडेट के साथ। आइए देखें किस तरह लॉकडाउन के चलते रिश्वत, मशक्कत और मनमानी का खेल चल रहा है। एनसीआर के दिल्ली हावड़ा ट्रैक दनकौर रेलवे स्टेशन का यह दृश्य है। किस तरह देखिए, स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, लोगों की सुरक्षा और आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। आप देख रहे हैं, स्टेशन पर आए दिन भीड़ रहती थी लेकिन आज एकदम बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और यह बुलंदशहर नोएडा की सीमा का दृश्य है, एकदम सीमा पर बैरिकेडिंग करके रोक लगा दी गई है। आगे आप यमुना एक्सप्रेस वे पर सन्नाटा देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल रोड जाम है, कहीं से किसी वाहन के आने जाने का कोई दृश्य आपको नहीं दिख रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली नोएडा गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर को दिल्ली के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। आप देख रहे हैं यह सन्नाटा। और यह दृश्य ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर की सीमा का है। अलीगढ़ बुलंदशहर मुरादाबाद हापुड़ संभल बदायूं के वाहन चालकों को रोक किया गया है। एक वाहन चालक बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर पुलिस वालों को रिश्वत देकर के दनकौर में घुसाया। सुने इसकी जुबानी। दो सौ रुपए में निकले आए तुम? अब हम जो जान गए तो नहर पकड़ लो, कपड़ों को जाने फिर लेंगे रुपया? नहीं निकालेंगे ना, निकालेंगे ना, अब जाम ज्यादा होगा ना, अब गाड़ी ज्यादा खड़ी होगी। और यह अगला दृश्य रघुपुरा क्षेत्र में एक चाइनीज कंपनी वीवो का है। बड़े पैमाने पर इस कंपनी में कामकाज चल रहा है, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर वीवो कंपनी में काम चल रहा है। सैकड़ों मजदूर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, रात के समय भी कंपनी में काम होता हुआ बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो में। बहुत सारे लोग यहां इस वीडियो में दिख रहे हैं, कामकाज हो रहा है कंपनी में बेखटके बेखौफ। और आगे एसएसपी गाजियाबाद ने लोगों से क्या अपील की है, सुना। मैं कलालजी नथानी एसएसपी गाजियाबाद सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन है 23, 24 और 25 मार्च का, इसको कृपया इसको बहुत ही गंभीरता से लें। ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया गया एक डिसीजन है और आप सबकी सुरक्षा के लिए ही है। कोविड-19 जो वायरस है, इससे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। और अगला दृश्य कादरी में लोहरली टोल का है। किस तरह लोग वाहन के ऊपर बैठे हुए हैं, मास्क लगाए। जेवर के विधायक ने 4 महीने का वेतन कोरोना से पीड़ित लोगों के सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। अब यह ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे का दृश्य है। यहां धारा 144 और लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन हो रहा है। इंस्पेक्टर रजनेश तिवारी लोगों को समझाते हुए अपील कर रहे हैं कि बाजार में पूरी तरह लॉकडाउन लागू करें। सार्वजनिक मुनादी भी पुलिस कर रही है, इसके बावजूद भीड़ भाड़ भरे बाजार में लोगों की आवाजाही लगी हुई है। आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में किस तरह लोग अपने दैनिक कामकाज को करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर खुलेआम चाय भी पी रहे हैं, पुलिस गश्त कर रही है। इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे के दुकानदार बेखौफ बेपरवाह हैं, लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं है। देख रहे हैं एक साथ कितने मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बाजार में पुलिस गश्त कर रही है, लोगों को समझा रही है, लोग हैं कि मान नहीं रहे। आप देख सकते हैं चित्रों में लॉकडाउन की कहानी, चित्रों की जुबानी। पुलिस की बार बार की चेतावनी के बावजूद भी दुकानदार और लोग नहीं माने तो आखिर पुलिस को लोगों की मीटिंग बुलानी पड़ी। और व्यापारियों की मीटिंग में यह तय हुआ है कि दनकौर कस्बे में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। दोस्तों, अब कोरोना की अपडेट। सैकड़ों फौजियों की एनसीआर में बिन मांगे छुट्टी बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2 और मरीज कोरोना के मिले हैं। दिल्ली हावड़ा ट्रैक सुनसान पड़ा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भी सन्नाटा है। बाजारों में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है लॉकडाउन लागू कराने के लिए। दिल्ली नोएडा गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से आने वाले लोग सावधान रहें। 25 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन प्रभावी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को लॉकडाउन सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पूरा नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है।
अपने आप को, परिवार को और देश को कोरोना के प्रकोप से बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को जन जन तक लागू कराना होगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है। तृतीय चरण को रोकने का एकमात्र उपाय है कि 1 मीटर की दूरी लोगों से बनाए रखें। संदिग्ध लोगों की सूचना 112 पर दें। सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, अधिक से अधिक घरों में रहें। कोरोना से तभी आप बच सकते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर गाजियाबाद में 55 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक देश में 415 मामले आ चुके हैं, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 लोग कोरोना से पीड़ित ठीक भी हो चुके हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल